एंड प्री पेमेंट्स, वैसे हम और एक तक कंप्लीट कर लिए हमने, एट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लें। इसमें राइट क्वेश्चन 9 रीड कर लें। इसमें आपको रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। ठीक है, अकाउंट बनाते हैं यहाँ से। ये मैं फॉर्मेट कॉपी कर लूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 9। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे। रेंट, अब क्या इसमें लिखता है, एट 31 दिसंबर 2001 अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी शो एक्रूड रेंट पेबल ऑफ 250। ये रेंट पेबल है, ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट पर 250। उसके बाद ड्यूरिंग 2002 द कंपनी पेस रेंट बिल्स टोटलिंग 1275। पेमेंट हो रही है डेबिट 1275। डिस्क्रिप्शन में कैश आता है, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट इंक्लूडिंग वन बिल फॉर 375 इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडिंग 31 जनवरी 2003। अच्छा, 1275 में ये बिल इंक्लूड है, 375 का बिल इसमें इंक्लूड है। और ये कब तक के लिए, क्वार्टर एंडिंग 31 जनवरी 2003। अब ईयर एंड कब हो रहा है, व्हाट इज द इनकम स्टेटमेंट चार्ज फॉर रेंट पेबल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2002। ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में और ये पेमेंट हमने की है जनवरी तक की, तो एक महीने का प्री पेमेंट आएगी ना जनवरी की। दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, पेमेंट हमने की है जनवरी तक की, तो 1 मंथ की प्री पेमेंट, जनवरी का प्रीपेड हो जाएगा ना रेंट। अच्छा, प्रीपेड रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्री पेमेंट 375 क्वार्टर का है, फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडिंग, तो क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स का रेंट है 375। और अब इसमें से जनवरी का प्रीपेड है 1 मंथ का, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो ये 125 आ जाएगा। ठीक, अब प्री पेमेंट गारंटी क्या होती है, प्री पेमेंट। ओके, इसकी एंट्री होगी प्री पेमेंट्स डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट होते हैं, और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा कैरी डाउन। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 1275, 1275 माइनस करते हैं इसमें से ये 125 और 250 माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास 900। और ये होंगे हमारे करंट ईयर के रेंट एक्सपेंस जो हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट। तो ये सीडी कहीं पर, तो बीडी इसका डेबिट हो जाएगा, प्री पेमेंट है ना, तो प्री पेमेंट का बीडी डेबिट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 नहीं, अभी आगे चेंज होंगे ना, चेंज आएगा। तो दो टाइप मैंने बताए थे ना, अकाउंट बेस्ड टी अकाउंट बना रहे हैं, और फिर एक टाइम लाइन हो रहा है, टाइम लाइन बनेगी उसके बेस पर गलत कुछ अभी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का टी अकाउंट बना लेते हैं इसमें भी। इसमें क्या, इनका टेलीफोन लगवा है, टेलीफोन अकाउंट बन जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस। अब इसमें इसने क्या लिखता है कि हॉर्स हॉर्स ट्रेडिंग एज स्पेयर्स एंड सिज फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 28 फेब को। इस टेलीफोन वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2006। अच्छा, न्यू टेलीफोन इंस्टॉल हुए, रिसीव्स इस टेलीफोन अकाउंट क्वार्टरली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, बिल क्वार्टरली आ रहा है। अच्छा, पहला बिल कब आ रहा है, 30 जून को, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेबिट हो जाएगा Yes. जून 30, 5.5
23.5 डेबिट हो गए। सेकेंड बिल 30th सितंबर 27.2, सितंबर 30 27.2, थर्ड बिल रिसीव हुआ 31st दिसंबर को 33.4 का, दिसंबर 31 33.4। मार्च अच्छा लास्ट बिल रिसीव हो रहा है 31st मार्च को, ये रिकॉर्ड होगा नहीं होगा? एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि देखिए 36 ये पिकअप कर रहे हैं, लास्ट बिल हम पे कर रहे हैं 31st मार्च को और इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 28 फेब को, ईयर एंड हो रहा है 28 फेब और बिल इसको मिल रहा है मार्च में, ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद बिल रिसीव हो रहा है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ईयर एंड के बाद वाला बिल थोड़ी रिकॉर्ड होगा ना, अब ये तो क्योंकि करंट ईयर एंड हो रहा है 28 फेब को और ये फोर्थ बिल वो दे रहा है 31st मार्च को रिसीव हुआ, ईयर एंड के बाद, तो ये तो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा ना, करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा जैसे कंप्लीट भी नहीं करेंगे दोनों को, बताओ। अच्छा अब इसमें क्या होगा, देखिए हमने सेकंड लास्ट बिल जो है वो कब तक का पे किया, 31st दिसंबर तक का, 31st दिसंबर तक का बिल हमने पे किया और ईयर एंड हो रहा है फेब में, तो जनवरी फेब्रुवरी 2 मंथ्स का बिल अनपेड हो गया, एक्यूड हो जाएगा। अब 2 मंथ्स के एक्यूअल्स रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। सेकेंड लास्ट बिल है वो दिसंबर तक का है ये, ठीक, और ईयर एंड हो रहा है फेब में, तो जनवरी फेब्रुवरी का बिल एक्यूड हो जाएगा। अब 2 मंथ्स के एक्यूअल्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा अब इसके लिए कौन सी फिगर लें, 36 या 33? हाँ तो देखिए अब तक जो हमने एक्रूवल्स प्री पेमेंट कैलकुलेट किए वो लास्ट बिल की बेस पे कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि उसने फ्यूचर का बिल हमें बता दिया कि मार्च में आपका बिल आएगा 36 का, तब वही यूज कर लेंगे, ठीक है। तब लास्ट बिल नहीं लेंगे, 33 यूज नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर बिल उसने हमें बता दिया 36, तब हम 36 को यूज करेंगे। तो 36 को यूज करते हुए हम 2 मंथ्स के एक्रूवल्स कैलकुलेट करेंगे, 24 आएंगे एक्रूवल्स, ठीक। और एक्रूवल्स की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूवल्स क्रेडिट, तो ये एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे 24 से और ये इसका कैरी डाउन बन जाएगा और डेट आ जाएगी फेब 28। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आ गया 108.1, 108.1 और यही इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी और जो कि हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम क्या कह रहे हैं, नहीं आया नहीं ना, ये बता दो दिया, 30 फ्यूचर बिल का बता देगी, फ्यूचर बिल कितना आएगा आपका 36, क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकली नहीं बता देगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये तो क्वेश्चन है ना, हाँ वरना तो प्रैक्टिकली ही होता कि हम ये जो 33 था ना लास्ट बिल उसकी बेस पे कैलकुलेट करते, एस्टिमेट करते कि नेक्स्ट 2 मंथ्स का बिल कितना है प्रैक्टिकली, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसने हमें बता दिया फ्यूचर में बिल कितना आना है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होगा, हम लास्ट बिल लेंगे, लास्ट बिल लेंगे 33 उसके बेस पे एस्टिमेट निकालेंगे, सही है, प्लान्स पर भी तो एस्टिमेट करते हैं ना कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, तो वो प्रैक्टिकली होता है। फिलहाल क्वेश्चन क्या था कि ये कि अगर फ्यूचर बिल गिवन है तो उसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे और ये 36 गिवन नहीं होता तो फिर 33 की बेस पे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तो सॉल्यूशन टैली कर लें जी, 12 की बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन 12 में ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, नहीं है इसमें भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, देखिए लिखा हुआ भी नहीं, देखिए पहले लाएंगे हेलियार्ड ओपन बिजनेस ऑन 1st जनवरी, न्यू बिजनेस है, ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। क्वेश्चन 11
अच्छा, 11 का आंसर सेम आ रहा है, 1838। .23, 1838.23। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें रेंट अकाउंट बनेगा। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट हम कर रहे हैं 1 जनवरी को, पहले पेमेंट January 1, 5000 रेंट डेबिट हो गया। सेकंड पेमेंट हो रही है 25 मार्च को, March 25, 5000। थर्ड पेमेंट हम कर रहे हैं 24 जून को, June 24, 5000। फोर्थ पेमेंट हम कर रहे हैं 29 सितंबर को, ये भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट। और फिफ्थ पेमेंट हम कर रहे हैं 25 दिसंबर को, ये भी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये ईयर एंड से पहले, लेकिन साल में वैसे तो 4 पेमेंट्स होती है ना, तो क्वार्टरली पे करते हैं तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें 5 पेमेंट्स हो रही है ईयर एंड से पहले, तो 5 पेमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब ईयर एंड पे हम देखते हैं कि इसमें एक्रीड या प्रीपेड कितने हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेमेंट हमने की ये है जनवरी फरवरी मार्च की, फिर सेकंड पेमेंट अप्रैल मई जून की, थर्ड जुलाई अगस्त सितंबर का रेंट हो गया, फोर्थ पेमेंट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे हमारा ईयर एंड कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पेमेंट जो हम कर रहे हैं, अब ये होगी नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च की पे, तो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट हमने जनवरी फरवरी मार्च की इसी साल के दिसंबर में पे कर दी। अब ये 5000 क्या हो जाएंगे हमारे प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड की एंट्री क्या होगी, प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये 5000 क्रेडिट होंगे और ये इसका कैरेट डाउन बन जाएगा 31 दिसंबर पे, ये प्री पेमेंट्स आएंगे December 31। अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल आ गया 25000, इसमें से ये कैरेट डाउन के 5000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 20000, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जिसे हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट में। अब एक पॉइंट याद रखना है कि ईयर एंड तक जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सब रिकॉर्ड की जाएंगी, ईयर एंड के बाद वाली पेमेंट रिकॉर्ड नहीं कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अभी है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में ना तो टी अकाउंट बनेगा और ना ही टाइमलाइन, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है जरा एक, तो ये सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। रेड स्नफर इज अ बिजनेस डीलिंग इन पेस्ट कंट्रोल, इट्स ओनर वाइड एंड एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 who were paid 12,000 per annum each in the year to December 31, 2001। अच्छा, 8 employees हैं इसके, ठीक है, 8 employees हैं, 12,000 per annum सैलरी है, 12,000 per annum है, साल नहीं एक की, एक each 12,000 per annum each एक की to the year ended December 2001। अच्छा, अब क्या हुआ, at the start of 2002, अच्छा ये लास्ट ईयर की बात कर रहा था वो, December 2001 में उनकी सैलरी थी 12,000 पर एनम ईच। अच्छा, टू में क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ 2002 ही रेज्ड सैलरीज बाय 10% टू 13,200 पर एनम ईच। अच्छा, 2002 में उसने 10% का इंक्रीमेंट दे दिया उनको, तो अब उनकी सैलरी हो गई 13,200 पर एनम ईच। अच्छा, ये तो बात हो गई 8 employees की। अब देखते ऑन जनवरी July 1, 2002 ही हायर्ड अ ट्रेनी एट अ सैलरी ऑफ 8,400 पर एनम। अच्छा, July 1, 2002 को ट्रेनी हायर कर लिया उसने 8,400 पर एनम की सैलरी पर। अच्छा, ही पेज इज वर्क फोर्स ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, मीन्स के 1 month in arrear, ठीक है, सो दैट हिज एम्प्लॉयज
रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे इन फेब्रुअरी। ठीक है, जनवरी की सैलरी फर्स्ट फेब को, फेब की फर्स्ट मार्च, मार्च की फर्स्ट अप्रैल, नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, तो ये तो पूरा इसका डेटा हो गया। अब रिक्वायरमेंट्स, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सैलरीज व्हिच वुड बी चार्ज इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2002। सैलरी एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं, सिंपल है। अच्छा, एट एम्प्लॉयज है, एक ट्रेनी है। सैलरी एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं इसके। अच्छा, एट एम्प्लॉयज है, एट एम्प्लॉयज की एनुअल सैलरी कितनी है? 13,200 पर एनम ईच। तो एट को मल्टीप्लाई करते हैं 13,200 से, क्या अमाउंट बन रहा है? 5,600। 5,600। ठीक है। अच्छा, अब एक ट्रेनी है और इसकी एनुअल सैलरी कितनी है? 8,400। अच्छा, अब इसे हायर कब किया इसने? जुलाई 1 को। और ईयर एंड कब हो रहा है? ये December 31। तो जुलाई से दिसंबर 6 मंथ, तो 6 मंथ की सैलरी चार्ज होगी। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दें, तो बताएं क्या रहा है? 4,200, 4,200। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1,09,800, दोनों का टोटल बन जाएगा 1,09,200। ये तो हो गए इनके सैलरी एक्सपेंस, टोटल सैलरी एक्सपेंस आ गया। ठीक है, 1,09,800। ठीक, ये हो गए रिक्वायरमेंट ए। अब रिक्वायरमेंट बी, बी में कह रहे कि कैलकुलेट द अमाउंट एक्चुअली पेड इन सैलरीज ड्यूरिंग द ईयर 2002, दैट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द वर्क फोर्स। पे कितना क्या ये बताना है। अब कैलकुलेशन क्या होगी? 13 13 मंथ्स। मंथ्स की सैलरी इज पेड, 8 एम्प्लॉयज हैं, एनुअल सैलरी कितनी है? ठीक है। अच्छा, वो पे किस समय करता है? 1 मंथ इन एरियर, यानी कि जनवरी की सैलरी फर्स्ट फेब, फेब की फर्स्ट मार्च, मार्च की फर्स्ट अप्रैल, तो अक्टूबर की पे होगी फर्स्ट नवंबर, नवंबर की फर्स्ट दिसंबर, और दिसंबर की नेक्स्ट ईयर फर्स्ट जनवरी। यानी कि दिसंबर की सैलरी इस साल पे नहीं होगी, नवंबर तक की पे होंगी 11 मंथ्स। तो 11/2 कर देंगे, दिसंबर क्योंकि दिसंबर की फर्स्ट जनवरी होगी ना, तो जनवरी ईयर चेंज हो गया ना आपका, लिखा हुआ है ना 1 मंथ इन एरियर ही लिखा था ये था। हाँ, ही पेज इज वर्क फोर्स ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन एरियर, बाद में पे। अब प्रीपेड का बोल सकते, फर्स्ट। प्रीपेड पहले, एरियर बाद में। उर्दू में कहते हैं बकाया जात, तो बकाया जात के फॉर्म में जब ड्यू होने के बाद। इसमें क्या होगा, जनवरी से नवंबर तक की सैलरी पे हो जाएगी, दिसंबर की पे नहीं होगी, वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में पे करेगा ना, तो 11 सैलरीज पेड होंगी। अमाउंट क्या बन रहा है? 96,000। 96,800। ठीक है। अच्छा, अब एक ट्रेनी है, इसकी एनुअल सैलरी 4,400। इसको कितनी सैलरीज मिलेंगी? 5 मिलेंगी, क्योंकि दिसंबर की इसको नेक्स्ट ईयर जनवरी में मिलेगी ना, तो इसकी 5 पेमेंट्स कितनी हो गई? 3,500। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं हुआ। जी टोटल करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, ये कंप्लीट थोड़ी हुआ, कंप्लीट तो करें इसको, चार्जेस ये कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी, इसको तो कंप्लीट कर लें। बी पार्ट, बी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, टोटल कंप्लीट ही नहीं है तो टोटल कैसे करेंगे अभी, कंप्लीट तो करें। एक वैल्यू और आएगी इसके अंदर, करेंगे। देखिए कौन सी आएगी, वो तो होना रह रहा है डिस्ना पर। एक पेमेंट और आएगी फिर आंसर आएगा, सोचें थोड़ा एक्रूड्स सा। नहीं, हमें तो पेड बताना है, एक्रूड थोड़ी बताना है। पेड January 1 से लेकर December 31 तक कितनी सैलरी हमने पे की, ये बताना है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितनी सैलरी पे की? 16 बंदों की, 16 महीने कैसे हो गए? 11 महीने ये और 5 महीने। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो 8 एम्प्लॉयज, इनकी सैलरी कितनी ली? 11।
11 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तो एक साल या एक महीना बाद में ले लो, जो दिसंबर की सैलरी है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में पे होगी, तो इसका पहले मतलब जो करंट ईयर के दिसंबर की सैलरी है वो हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी में, तो लास्ट ईयर के दिसंबर की सैलरी हमने कब पे की होगी? इस साल के जनवरी में, फर्स्ट जनवरी को, तो वो ऐड करना पड़ेगा ना, तो ठीक है? तब करंट ईयर के दिसंबर की सैलरी हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी में, तो इसी तरह फिर लास्ट ईयर के दिसंबर की सैलरी करंट ईयर के जनवरी में पे की होगी ना हमने, तो वो इसमें ऐड हो जाएगी अब। तो लास्ट ईयर इन 8 एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी थी? 12,000, और 1 month की चाहिए तो 1/12, तो ये अमाउंट कितना बनेगा? 8,000 ना, ठीक। अब तीनों का टोटल करेंगे, अब तीनों का टोटल करेंगे, ये इसमें पॉइंट था मेन। करंट ईयर के दिसंबर की सैलरी हम नेक्स्ट ईयर जनवरी में पे कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर के दिसंबर की सैलरी करंट ईयर के जनवरी में पे एक करेंगे, लाख ग्यारह क्या हो गया? टोटल एक करें लाख 1,08,300 जी, ये आंसर आएगा। मेरा कैलकुलेटर नहीं आ रहा, मोबाइल भी नहीं, मोबाइल चार्जिंग पे लाओ, पेट्रोल अब रिक्वायरमेंट सी, ये चार्ज आसान है। हाँ, रिक्वायरमेंट सी है, स्टेट द नाम अमाउंट ऑफ एक्रूड चार्जेस फॉर सैलरी व्हिच वुड अपीयर इन द करना बैलेंस शीट। हाँ, तो हमने देखिए नवंबर तक की सैलरी पे की है, दिसंबर की सैलरी एक्रूड है, तो चाहिए। 1 महीने की सैलरी हम निकाल देंगे ना। 8 एम्प्लॉयज, 13,200 पर एनम है, तो 1/12, तो ये दिसंबर की हमारी एक्रूड सैलरी आ जाएगी कितनी? कौन बोल रहे हैं? 8,800 आएगी ना, नहीं 8,800। अच्छा, एक बैठे ट्रेनी है, इसकी एनुअल सैलरी 8,400 और दिसंबर 1/12, 1 month की क्या बनेगी? 700, 700, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9,500 आ जाएगी एक्रूड सैलरी। बेहतरीन। हाँ, ये सवाल अच्छा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया, अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, ओके। अच्छा, 14 से क्वेश्चन चेंज होंगे, अब इसमें हम बनाएंगे टाइमलाइन और उसके बेस पर कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है? इनमें टी अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ, 14, 15, 16, 17, सब में टाइमलाइन बनेगा, ठीक। अच्छा, 14 में, अच्छा, मारिया स्टार्ट हर बिजनेस ऑन अगस्त 1, 2008 एंड पेज हर इंश्योरेंस फॉर द ईयर टू 31 जुलाई 2009 टोटलिंग 1,800। हर ईयर एंड इज दिसंबर 31 ईच ईयर, ठीक है? ओके, अब इसमें इसने अगस्त 1 को बिजनेस स्टार्ट किया है और इंश्योरेंस पे किया इसने जुलाई 9 तक का 1,800, और ईयर एंड कब हो रहा है इसका? दिसंबर में। अच्छा, ये तो खैर आसान है। देखिए, नौ अगस्त से दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए? फाइव, चार पाँच तो 5 months हमारे 1,800 में से 5 months एक्सपेंस हो जाएंगे और बाकी 7 months पाँच प्री पेमेंट होगी। सही, पाँच तो ये तो खैर इजीली आप कर लेंगे। इसको मैं फिर भी एक टाइमलाइन बना के समझाता हूँ क्योंकि आगे भी यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाते हैं। ओके, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इसका अगस्त 1 को, अगस्त 1। अच्छा, हम लिख लेते हैं इसका फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट हुआ है बिजनेस अगस्त में और ईयर एंड हो रहा है इसका, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31। 31 अच्छा, अब इसने पेमेंट की है अगस्त 1 को, पेमेंट किया ना अगस्त 1 को, पे किए कितने? 1,800 पे किए। मतलब ये इंश्योरेंस पे किया इसने कब तक का? यस जुलाई 31 तक की पेमेंट कर दी, ठीक। 31 जुलाई 31, ये हमने पेमेंट की लाइन ड्रॉ कर। देखिए, इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो कितने मंथ्स गुजरे? तो 5 months हमारे 1,800 में से 5 months एक्सपायर हो जाएंगे, एक्सपेंस हो गए, बाकी बाकी 7 months प्रीपेड हो जाएंगे ना, प्री एक्चुअल पेमेंट हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,800 into 5/12, ये आ जाएंगे 5 months के इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने? 750, और बाकी प्रीपेड, हाँ, ये एक्सपायर हो गए, यूज्ड हो गए, बाकी 7 months बच गए जनवरी से जुलाई,
हाँ तो मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये हमारे प्रीपेड आ जाएंगे 1050। बस ये तो इतना कंप्लीट, इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जो 14 है, क्वेश्चन 14 वो क्वेश्चन 15 में कंटिन्यू हो रहा सर बस उसका बीपी उसका बाप बाप है। क्वेश्चन 15 में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्या वो कंटिन्यू था? क्वेश्चन नंबर 14। ऑन अगस्त 1, 2000, मारिया पेज आर इंश्योरेंस फॉर द ईयर टू 31 जुलाई 2010 टोटलिंग 2020। अच्छा इसी को मैं यहाँ से कॉपी पहले कर लेता हूँ, ऊपर वाले को ना कॉपी पेस्ट करके इसी को फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अच्छा यहाँ दिसंबर में इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो यहाँ से इसका दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा ना, सेकंड सेकेंड ईयर ईयर इसका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे एंड हुआ, तो ये जनवरी 1 अब ये इसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ दिसंबर में एंड कर देते हैं, ठीक क्या है। अच्छा ये सेकेंड ईयर आ गया इसका, यहाँ पर अब आते हैं जुलाई एंड हुआ, तो अगस्त 1 स्टार्ट होगा। यस अब सेकेंड पेमेंट कितनी है? 2200 की, समझ और ये होगी नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक की, रहा ठीक है। अभी हमने इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ किया जनवरी से दिसंबर, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक के एक्सपेंस निकालना है। तब देखिए ये जो 1800 हमने लास्ट ईयर पे किए थे, उसमें से अब जनवरी से लेके जुलाई तक 7 मंथ्स वो 1800 यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक जनवरी से लेकर जुलाई तक, तो ये 7 मंथ्स के एक्सपेंस तो हम 1800 से कैलकुलेट करेंगे, और फिर अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 मंथ्स के एक्सपेंस हम 2200 से कैलकुलेट करेंगे, तो बाकी वो प्रीपेड में आ जाएगा। तब यहाँ लिखते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो मैं लिखूंगा इस तरह ब्रैकेट में, देखिए 1800 में से 7 मंथ्स लेंगे और प्लस 2200 से 5 मंथ्स लेंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करें ना, 1800 इंटू ये तो हो जाएगा 1050 1050 प्लस करें, अभी 5 मंथ्स का अमाउंट क्या बन रहा है, 9167 917 कर देते राउंड ऑफ करके, योगा इंश्योरेंस एक्सपेंस टोटल 1967 ये टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस आते हैं, सही है। 5 मंथ्स 7 मंथ्स 1800 से, 5 मंथ्स 22 से। आप प्रीपेड निकालेंगे तो आप जनवरी से लेकर जुलाई तक ये 7 मंथ्स के प्रीपेड हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रीपेड कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ 2200 मल्टीप्लाई बाय 7/12 कितना आ रहा है, 1283, 1283 प्रीपेड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ 16 रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा अच्छा अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन 16 एक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, समझ से आएंगे। 14 15 तो एक प्रैक्टिस है हमारे साथ, 16 17 18 इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अच्छा इसमें क्या, रेंट पेड ऑन अक्टूबर 1, 2002 फॉर द ईयर टू 30 सितंबर 2003 वॉज पेड वॉज 1200, एंड रेंट पेड ऑन अक्टूबर 1, 2003 फॉर द ईयर 30 सितंबर 2004 वॉज 1600। अब 2 साल की पेमेंट बता दो इसने, 1 साल अक्टूबर 2002 से लेकर सितंबर 3 तक 1200 पे किए, फिर अक्टूबर 3 से सितंबर 4 तक 1600, अक्टूबर से सितंबर, फिर अक्टूबर से सितंबर, 2 साल की पेमेंट बता दी, ठीक है। अच्छा अब इसका ईयर एंड कब हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, जनवरी में। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 2003 में, तो स्टार्ट हुआ होगा 2000 जनवरी 2003 में। अब इसमें हमने क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसका फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेते हैं, जनवरी 1 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और ये इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया दिसंबर 31।
अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ऊपर ईयर भी लिख देता हूँ मैं, ये 2003 की बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे पेमेंट्स की, ठीक, पेमेंट्स कब कब हो रही है। फर्स्ट पेमेंट वो कर रहा है अक्टूबर 2002 में, अच्छा ये हमारा 2003, तो अक्टूबर 2002 से पीछे होगा ना, जनवरी से, तो यहाँ पे होगा अक्टूबर 1, नंबर अक्टूबर 1 2002, ये अक्टूबर 1 2002 है ना, पीछे चले गए जनवरी से हम, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने पेमेंट कितनी की, 1200 पे कर रहे हैं, ठीक है, और ये कब तक के लिए, करंट ईयर के सितंबर तक के लिए, तो सितंबर 30, फिर यहाँ पे अक्टूबर 1 आएगा, तो अगले दोबारा हमने साल पेमेंट की अगले साल की। सेकंड पेमेंट आप कितनी हो रही है, 1600 की, ठीक है, और ये नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक की पेमेंट है। अच्छा सॉरी ये हमने पेमेंट्स ड्रॉ कर लिया, ठीक, पहले फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ किया, उसके बाद पेमेंट्स की, पेमेंट्स ड्रॉ कर लिए। अब हमें चाहिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के एक्सपेंस निकालने ना, ठीक सॉरी है। तब देखिए जनवरी से लेके सितंबर तक इसमें से यूज होंगे 1200 में से कितने मंथ्स नाइन बने, जनवरी से सितंबर नाइन मंथ्स 9 मंथ्स हो गए, हाँ तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस तो 1200 से कैलकुलेट होंगे, और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक 3 मंथ्स के एक्सपेंस 1600 से कैलकुलेट होते हैं, सही है। नाइन अब इसमें क्या था, एक्सपेंस कौन सा है, रेंट, अब हम रेंट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। कि जो हमने अक्टूबर 1 लगाया था तो उसके लिए आखिरी का जो एयर होगा उसपे हम लोग प्रीपेड कर दिया होगा तो वो हमारे पहले ओपनिंग बैलेंस नहीं हो शुरू हो जाएगा हाँ होगा, वो हमारे लेकिन वो कैलकुलेट नहीं करना ना। अच्छा 1200 में से 9 मंथ के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे प्लस, और फिर 1600 में से 3 मंथ के एक्सपेंस अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ के एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेंगे, दस ठीक है। अच्छा कैलकुलेट कर लें जरा, ये तो हो जाएगा 900 फोर प्लस 400 इक्वल्स टू 1300, तो सॉरी रेंट एक्सपेंस हो जाएंगे हमारे 1300 के। अच्छा प्रीपेड कैलकुलेट करते हैं, प्रीपेड अब 1600 में से कितने, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स हमारे प्रीपेड होंगे, अमाउंट 1200 बन, ठीक है, तो आंसर लेकर आया फिर मेरे 1300 पास एक्सपेंस हो गए मिला और मिला 1900 प्रीपेड हो गए, वो एक फ्री दे क्वेश्चन दो थोड़ी ना तो नंबर 17, क्या होगी यहाँ पे रीच इंश्योरेंस की बात हो गई क्वेश्चन नंबर 17, मेरा अच्छा डिटेल्स ऑफ कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी आर शोन बिलो। अच्छा प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2008, पेड इन अप्रैल 2007, अच्छा अप्रैल 7 में पे कर रहे हैं मार्च 8 तक के लिए, फिर हमने अप्रैल 8 में पे किए वही मंथ का 28,000, अच्छा पहले पेमेंट हो रही है अप्रैल 7 में 25,920 की, और ये मार्च 8 तक की है, तो अप्रैल 8 में हम पे कर रहे हैं 28,800 मार्च 9 तक की, ये तो पेमेंट्स हो गए। अच्छा इसका ईयर एंड अवार्ड फिगर शुड बी इंक्लूडेड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2008, तो जून 30 पे ईयर एंड हो रहा है 2008, पहले उसकी फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेते हैं, जून 30 पे ईयर एंड है, तो स्टार्ट कब हुआ जुलाई होगा, जुलाई में, जुलाई 1 से जून 30 तक, ठीक है, जून 30 ये हो गया फाइनेंशियल ईयर इसका। आप पेमेंट की डेट्स मार्क करते हैं, अप्रैल अच्छा पेमेंट हो रही है अप्रैल 7 में, तो ये होगा जुलाई 7 ना हमारा, जुलाई 7 से जून 8, तो अप्रैल इधर आ जाएगा अप्रैल 1, तो अप्रैल 7 में पे किए 25,920, और ये कब तक की पेमेंट है, मार्च 31, 31, और फिर जून, फिर अप्रैल, अप्रैल 1 को फिर हम पे करेंगे कितने, हाँ 28,800 पे किए हैं, और ये नेक्स्ट ईयर के मार्च तक की पेमेंट हो जाएगी ना, मार्च 31।
बस ये तो हमने फाइनेंशियल ईयर और पेमेंट की डेट्स मार्क कर ली, ठीक है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक के एग्जाम्पल में चाहिए, जुलाई से लेकर जून 30 तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करने। तो हम क्या करेंगे, जुलाई से लेकर मार्च तक की एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 25,920 से, और फिर अप्रैल से लेके जून तक के एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे 28,800 से। ना कौन सा एक्सपेंस इसमें, इंश्योरेंस। ओके, अब इसमें 25,920 इंटू कितने मंथ्स हुए, जुलाई से मार्च, जुलाई से मार्च 9 मंथ्स, 9 अपॉन 12 प्लस अब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के एक्सपेंस 28,800 से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब भी कैलकुलेट करने का आंसर बताएं। टू डबल सिक्स फोर जीरो प्लस, नहीं नहीं अलग अलग बताएं, अलग अलग ये जी। गलत 19,440 ठीक है, और जी 3 मंथ्स का एक्सपेंस है। 7,200। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 26,640 ये हो जाएंगे हमारे इंश्योरेंस एक्सपेंस। और अब प्रीपेड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अब 28,800 में से 9 मंथ्स की प्री पेमेंट होगी। अमाउंट बताएं, 21,600 प्रीपेड इंश्योरेंस आते हैं। कॉपी कर,